वो गुप्ता आया था किराया लेने। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक स्टार्टअप चलाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं मिडिल क्लास हूँ और सपने देखता हूँ दुनिया बदलने के। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये मेरी टीम की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, दे आर वरीड यार। उनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको तो टाइम पर सैलरी मिल जाती है। दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ, वो भी मैगी। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी वो लोग मुंह खोलते हैं डर लगता है कौन सी नई आफत आ गई। सब देख लिया मैंने, कौन सा गूगल, काहे का फ्लिपकार्ट, सब सिर्फ मोटिवेशन स्टोरीज है। स्टार्टिंग अप का मतलब रहता है इट्स एंड टू योर ओन हैप्पीनेस, एंड उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज टीम की खुशियां, टीम का बर्थडे, उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी, उनका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। सीरियसली यार, इस इकोसिस्टम को कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी फाउंडर इज अ मिथ। तू स्टीव जॉब्स को देख ले, जब तक एप्पल नहीं बना था जनता क्या बोलती थी? ड्रॉप आउट है, नकारा है, नशा करता है। और जैसे ही एप्पल बना, जनता ने सेलिब्रिटी बना दिया। आखिर हुआ क्या? जिस जॉन्स कली को कंपनी में लाया उसी ने कंपनी से बाहर निकाल दिया। ये सब सारा योर स्टोरी की कहानियों का दोष है। ब्लडी स्टार्टअप का रोमांटिक मसाला होता क्या है? उसमें दो फाउंडर्स मिले, दारू पी, सपना देखा और बना दी $1 billion कंपनी। स्टोरी का दी एंड। इसके बीच की स्टोरी तुझे कोई नहीं बताएगा, इसके बीच की स्टोरी तुझे मैं बताता हूँ। पहले एम्प्लॉय को कन्विंस करो, फिर इंटर्न्स को कन्विंस करो, फिर उन सबके पेरेंट्स को कन्विंस करो। अगर इस बीच किसी का दिमाग घूम जाए तो अपने आप को कन्विंस करो कि भाई बंसल अग्रवाल का क्यों नहीं पैदा हो गया मैं। माफ कर दो यार, IIT IIM नहीं गया। पता नहीं था कि फंडिंग के लिए भी रैट रेस जीतनी पड़ेगी। एक कोट था जो ग्रेजुएशन पे सिलवाया था, सारी इन्वेस्टर मीटिंग वो कोट पहन के अटेंड की है। सारे VC वो कोट का दाग देखकर मुझे पहचानने लगे हैं। इंटरेस्ट तो सारे इन्वेस्टर्स दिखाते हैं। स्टारबक्स और ओबेरॉय में कॉफी के लिए बुलाएंगे, जब फंडिंग की बात आएगी तो बोलेंगे कि टीम ठीक नहीं है। अबे जब टीम ठीक नहीं है तो कॉफी पे क्यों बुलाया? जितने पैसे मैंने कॉफी पे खर्च किए उतने में कंपनी का लोगो डिजाइन हो जाए, क्लाइंट को ही ले ले। फॉलोअप ना करो तो प्रॉब्लम, फॉलोअप करो डेस्परेट हो रहे हो। 5-5 महीने तक इनवॉइसेस पे लटका के रखेंगे, रिविजन इतने इनके कि कभी खत्म ही नहीं होते। पहले UI में चेंज करो, फिर इनके लिए नया फीचर डालो। 72 घंटे तक जगा के रखेंगे एक बटन का कलर चेंज करने के लिए, और जब बटन का कलर चेंज हो जाए तो इनके लिए पेज का लेआउट भी बदलना है। स्टार्टअप इवेंट्स में जाता हूँ कि नया क्लाइंट मिल जाए। बिजनेस कार्ड इतने इकट्ठे हो गए हैं कि मेरा एक तकिया बन जाए। सोशल गैदरिंग मीटर्स पे जाके वो सेम शक्लें देख के बोर हो गए हूं यार। भाई बिजनेस कैसे चल रहा है? उन सालों को लगता है कि दुनिया बदलेगा, इतना ब्रेव अपनी जॉब छोड़ के अपना सपना पूरा कर रहा है। 2 साल से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के चली गई, बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए, फोन नहीं उठाता मैं उसका, एटीट्यूड प्रॉब्लम है मेरे में। 5 दिन से सनराइज ही देखा, घर से बाहर तक नहीं निकला मैं। क्लाइंट मीटिंग में बैठा होता हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ मम्मी बिजी हूँ बाद में बात करूंगा। इतनी सी बात बोलने की देर है मानो हिरोशिमा में बम फट गया हो। इतना मुश्किल है बात समझना। ऊपर से बोलेंगी बेटा पैसे बनाने में इतना बिजी है कि अपनी माँ को ही भूल गया है, इतना ही प्यार है पैसे से जाए एक माँ ही खरीद ले। अभी ये टॉर्चर खत्म होगा नहीं कि एक और बम गिरा देंगे। जी शाम को शर्मा जी आ रहे हैं, उनकी बेटी ना MBA है, घर जल्दी आ जाइए एक बार मिल लियो। अबे MBA तो अपनी कंपनी में मैनेजर बना दूं क्या? या खुद का फ्यूचर सेट नहीं है उसको क्या खाक संभालूंगा? टेलिंग यू यार, किस हर किसी को सपोर्टिव बीवी नहीं मिलती यहाँ पे। अगर तुम्हारी इनकम उनकी इनकम से कम है तो कौन हैंडल करेगा उनके नखरे? ये इंडिया है भाई, यहाँ कोई नहीं समझता स्टार्टअप क्या होता है। किसी भी 2-tier city में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि बीवी की कमाई पर जीता है। ये है इंडियन मेंटालिटी। तुझे क्या लगता है रिचर्ड ब्रांसन की अगर शादी हुई होती तो वर्जिन मैन बना पाता, अपना लैरी पेज गूगल बना पाता? एप्पल को ही देख ले, एक छोटी सी वॉच 10,000 में बेच रहे हैं, एंड गेस व्हाट, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, और यहाँ एक डील क्रैक होने के लाले पड़े हैं। इट्स रिडिकुलस यार। यार वो स्टारबक्स वाला तो मेरे साथ भी हुआ है।